खुदा यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको खुश आमदीद। आए हम सब मिलकर आज की जो हमारी चर्च सर्विस है उसको हम शुरू करें और सब मिलकर अपना ध्यान जो है वो अपने मुनजी खुदावंद की तरफ लगाएं। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। ये जबूर 34 उसकी पहली आयत की तिलावत मैंने आप सबके साथ मिलकर की है। यहाँ पे दाऊद नबी यूँ फरमाते हैं कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। हम जो जितने भी हम खुदावंद को जानते हैं, स्पेशली जो उससे पैदा हुए हैं, हम उसको हर वक्त मुबारक कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका हम इंडिविजुअल्स की एक एक की ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगी में और हमारे जितने भी रिश्ते हैं या जितने भी हमारे कुल आलम कलीसिया है उसमें खुदावंद का हमारे लिए कैसा करम और कैसा फ़जल है। क्योंकि जो लोग उससे प्यार करते हैं, जो उसको जानते हैं, वही उसकी हमदो सताइश कर सकते हैं, वही उसको मुबारक कह सकते हैं और उन्हीं की ज़बान पर खुदावंद की सताइश रहती है। क्योंकि जब हम उन बातों को, उन कामों को और उन नेमतों को, उन बरकतों को याद करते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए की हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी ज़बान से ऐसी बातें उसके लिए निकलती हैं, ऐसी सताइश उसके लिए निकलती है, हम उसको ऐसे ज़ोर से मुबारक कहना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारी हम इस काबिल नहीं होते कि जो खुदावंद हमें उस काबिल कर देता है कि हमें हर किस्म की दुनियावी बरकतों से, हर किस्म की रूहानी बरकतों से वो हमें ऐसे भरता है कि हम खुद ब खुद इस काबिल हो जाते हैं कि जब हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं तो ऐसी सताइश और ऐसी उसके नाम को मुबारक कहना हमें सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो उसके बेटे बेटियां हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद काम करता है और उनको पता होता है कि हमारा जो मुनज्जी बाप है उसने हमारे लिए कैसे कैसे काम किए हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जितने हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, हम सब के सब जो हैं वो उसके खून से ख़रीदे हुए उसके बेटे और उसके बेटियाँ हैं और उसकी हमद सताइश हम कर सकते हैं। आज भी हम खुदावंद की हमद सताइश जो है उसके कुदूस और जलाली नाम को मुबारक कहकर शुरू करते हैं। सब मिलकर अपने बाप को पुकारना शुरू करते हैं और उन उसकी दी हुई नेमतों बरकतों को याद करना शुरू करते हैं कि जो उसने हमें दी हैं। मैं चंद लम्हों के लिए आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आए सब अपने अपने कदमों पर खड़े होकर वो अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और उन बातों को अपने बाप की हजूरी में रखें और उसके कदूस और नाम को मुबारक कहें और आज की उस बरकत को, ख़ास तौर पर उस बरकत को जो आज के दिन के वसीला से, आज के इस वक्त के वसीला से खुदावंद ने हमारे लिए रखी है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 2 या 3 मिनट के लिए सब अपने अपने हाथों को बुलंद करें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और अपने बाप की हमद सताइश करना शुरू करें, उन नेमतों को, उन बरकतों को याद करना शुरू करें जो आपने आपकी ज़िंदगी में की हैं। मैं पास्टर रूह से रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर जी आएं और हमारे साथ मिलकर जो है वो दुआ में आगे हम सबको लेकर चलें और खुदावंद की हजूरी में जो है वो हम उनके साथ मिलकर 2 या 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी पाक रूह हमें हदायत करता है कि हम वक्त उसकी हजूरी में गुजारें, उसमें हमें लीड करें। पास्टर रूह, the Lord, hallelujah, our God is awesome, hamara khudawan mahan hai, aaiye hum us zinda khudawan ke aage jhuk jaye jo takht nashin hai aur jisne hame banaya hai, hallelujah, hamara khalak karne wala, hamara khaliq khudawan, uske aage hum jhuk jaye. Main request karungi ki har zuban khul jaye us zinda khudawan ki tareef mein jisne hame khalak kiya hai, jisne hame create kiya hai, jisne hame banaya hai, hallelujah, aur uska vaada है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हों, मैं उनके बीच हूं। खुदावंद का पाकरू इस वक्त हमारे बीच है और आइए हम खुदावंद के तख्त के आगे जहां पर वो बैठा है करूबियों के बीच और फरिश्तगान उसकी तारीफ करते हैं, कुदूस 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 कहकर दिन रात कुदूस 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 गाते हैं। आइए हम भी उन फरिश्तों के साथ मिलके अपने खुदावंद की तारीफ करें। हलबा रुस्से कौरबो से रे बेरी अलबा, ए खुदावंद इस मौके, इस पूरे खुदावंद माहौल को, इस पूरी कलीसिया को खुदावंद आपके पाक खून में छिपा देते हैं। खुदावंद जितने भी खुदावंद इस इबादत में हिस्सा लेते हैं, खुदावंद प्रीचर्स एंड लॉर्ड वर्शिपर्स एंड जितने भी कलीसिया में इंटरसेसर्स हैं, हर एक को खुदावंद आपके लहू में छिपा देते हैं। हर चौखट पे, हर दरवाजे पे आपका जिंदा लहू को ले लेते हैं, आपके लहू की कुदरत को लेते हैं।
खुदावन किसी एक जगह भी कोई ऐसा आपका बेटा बेटी ना हो जिस पर आपका लहू ना लगा हो। हम अपनी पोजेशन को आपके पाक खून में छिपाते हैं, पूरे ग्लोबल चर्च को आपके लहू में छिपाते हैं। और खुदावन जहां जहां पर भी आपकी इबादत है, हर जगह पर आपके लहू की कुदरत, हर जगह पाक रूह की कुदरत जाहिर हो, नाजिल हो यीशु के नाम में। और कोई भी ऐसी चीज ना हो खुदावन कलीसियाओं में, खुदावन चर्चेस में, आपके लोगों में, जो खुदावन आपके लोगों को आपकी मोहब्बत से, आपकी खुदावंद हुजूरी से अलहदा करने की, जुदा करने की कोशिश करें। हर जो चीज आपके लोगों को खुदावंद आपकी मोहब्बत से, आपकी खुदावंद इंटिमेसी से, आपके रिश्ते से जुदा करने की, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें, उसको, उन चीजों को हम यूं खुदावंद की कैद में बुला लेते हैं, हालेलुया, आपके दिए हुए इख्तियार से। और अब खुदावंद इस पूरे माहौल को आपके पाक और कवि हाथों में देते हैं। खुदावंद आपका वादा है, जहां दो या तीन मेरे नाम इकट्ठे हूं मैं उनके बीच हूं। और खुदावंद हम जानते हैं कि आप इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। अब खुदावंद जहां जहां पर भी खुदावंद, यू नो यू आर ऑल नोइंग गॉड, यू आर ओमनीपोटेंट गॉड, यू आर ओमनीसाइंट गॉड, खुदावंद आप हर जगह मौजूद, हर चीज को देखते, हर चीज पर इख्तियार रखते खुदावंद हैं। आज खुदावंद आपकी आंख हमें देख रही है और आप जानते हैं हमारी कमजोरियों को जानते हैं और हमारी जरूरतों को जानते हैं। हम चाहते हैं हम रूह और सच्चाई से आपकी तारीफ करें, हम चाहते हैं हम रूह और सच्चाई से खुदावंद आपके नाम को जलाल दें। हमारे में जितनी भी कमजोरियां हैं उनको खुदावंद हम अलहदा रखते हैं और खुदावंद अपने आप को आपके कवि हाथों में देते हैं, अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश कर देते हैं। ज़ुखरबो खंदरबो खतरबो बाबा खंदरबो बारे सकरबो बारे कतबर रे बसखरे बिया इलमना तकुरब रसी अरबो खंदरबो बाबा खतरबो बारे रसरे मकारिया। हर किस्म की देखी अनदेखी कुफ्ते जो खुदावंद की तरफ से नहीं है, किसी तरह से भी इबादत में खुदावंद के लोगों को किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना करने पाए। आज जितने लोग भी खुदावंद इस इबादत का हिस्सा बने, उनके कानों पर किसी तरह से भी दुश्मन खुदावंद रुकावट ना उनके कानों में लेके आए। खुदावंद उनके कानों में जब आपकी आवाज जाए, आपका जिंदा कलाम जाए, आपकी तारीफ जाए, आपके लोगों की तारीफ, आप जब वो सुने कि खुदावंद के लोग खुदावंद की तारीफ कर रहे, आपकी हजूरी की तारीफ आवाज उनके कानों में जाए। खुदावंद बहुत सारे बेटे बेटियों की, बहुत सारे खुदावंद आपके जितने लोग स्ट्रे हो चुके हैं, कमजोर हैं, या किसी वजह से डिस्करेज हो चुके हैं, किसी वजह से कंफ्यूज हो चुके हैं, हर्ट हैं, खुदावन सब के लिए आज यीशु के नाम में आजादी मांगते हैं, मुकम्मल आजादी, रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ यीशुआ आवर लॉर्ड एंड सेवियर। और चर्च के साथ मिलकर हम कहेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। प्लीज बी सीटेड, गॉड ब्लेस यू, आमेन। इबादत के शुरू में हम सब मिलकर आज की जो हमारी कलाम की तिलावत है उसको हम देखें। आज जो कलाम का हवाला हम पढ़ेंगे वो मुकाशवा की किताब यूहन्ना आरफ का जो मुकाशवा है, कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब जो है, उसका तीसरा बाब और उसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत तक, 20 से 22 तक, सॉरी, मुकाशवा तीसरा बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। इस कलाम की तिलावत जो है वो हम उर्दू में और इंग्लिश में करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बेटी मैरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ। मैरी इस हवाले की तिलावत जो हमारे साथ इंग्लिश में करेंगी और उसके बाद हम इसकी तिलावत जो है वो उर्दू में भी करेंगे। मुकाशवा तीसरा बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। My reading is taken from Revelation chapter 3 verse 20 to 22. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. This is the word of the Lord. Amen. Thank you, Mary. इसी तरह हम इस हवाले की तिलावत जो है वो उर्दू में भी करेंगे। मुकाशवा तीसरा बाप और उसकी 20वीं आयत में कलामे मुकद्दस में वहाँ पे यूं मरकूम है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ,
अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जाए पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। कलाम मुकदस में से ये जो हवाले की तलावत हमने की है इसके ऊपर खुदावन की खादमा पास्टर रूद आज जो कलाम खुदावन ने अपनी बंदी को दिया है, आज जो कलाम की ताज़ा रोटी वो हमारे साथ जो है वो शेयर करेंगी इबादत के दौरान। और मेरा ईमान है कि कलाम जो है वो बेअसर नहीं जाता और हम सब उसके वसीला से मिलकर जो है वो बरकत को हासिल करेंगे। आमीन। इस वक्त मौका है कि हम सब मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदावन के खादिम पास्टर सुभाष को, क्वायर के मेम्बरान को, राबी को और आशिर को वेलकम करें और हम सब मिलकर उनके साथ आज की जो पस्तिश है उसमें आगे बढ़ें। ज़ोरदार तालियां बजाकर इन सब को जो है वो खुदावंद की हुज़ूरी में वेलकम करें। आमीन। Hallelujah. Amen. आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। आपको Amen. God is good. हम आज जब खुदावन की हजूरी में अपने आप को लेके आते हैं तो अपने अभी हमने पढ़ा के जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। सो कान ये रूहानी का जस्मानी कान भी हैं और रूहानी कान ज़्यादा। हम जस्मानी तौर पे अपने आप को खुदा की हजूरी में लेके आते हैं हमें और जस्मानी तौर पे ही हम अपनी दुआ का सिलसिला जो है जस्मानी तौर पे शुरू करते हैं। आमीन। जब हम खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं तो जस्मानी तौर पे ही हम जो एक सेकंड से मैं जरा थोड़ा सा दस फाइन जिस्मानी तौर पे ही हम खुदावन की हजूरी में बैठते हैं और जिस्म से शुरू करते हैं। आमीन। सो इस जस्ट लाइक जैसे खुदा की हैकल के तीन हिस्से थे टैबरनेकल के, आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड होली ऑफ होलीज। तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं तो हम अपने बदन की ट्रिनिटी जो है हमारी, वी हैव अ ट्रिनिटी ऑफ गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। आमीन। सो एग्जैक्टली सेम वे व्हेन वी लुक एट द टैबरनेकल देयर आर थ्री एरियाज, थ्री डायमेंशंस, तीन चीजें हैं वहां पे भी और तीन ही चीजें जो हैं हमारे बदन में है। हमारा बदन है, हमारी जान है और हमारी रूह है। आउटर कोर्ट में जब दाखिल होते थे तो वहां पर ना तो हम खुदा की उस पाक मकान में दाखिल होते हैं जहां पे पाक मकान में
कुछ जो फर्नीचर जो था वो नजर की रोटियों की मेज थी, द टेबल ऑफ शो ब्रेड ऑन द राइट हैंड साइड. आमीन. से टेबल ऑफ शो ब्रेड, नजर की रोटियों की मेज. बाई तरफ जो चिराग दान था वो बाई तरफ होता था. दाहिनी तरफ, ऑन द राइट हैंड साइड इज द टेबल ऑफ शो ब्रेड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द कैंडल स्टैंड. और बीच में जो पर्दे के सामने, जिस पर्दे के पीछे खुदा की जो अहद का संदूक जो था, यू नो द कवनेंट, आर्क ऑफ कवनेंट जो था, जिसमें खुदा की हजूरी, जिसके ऊपर करूबी थे, दोनों साइडों पे करूबी है, और बीच में मसी सीट जो थी, वो वहां से खुदा ने मूसा के साथ किया था कि मैं वहां से तेरे साथ बात किया करूंगा. अब जो बात मैं जो आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कि जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो बिल्कुल आउटर कोर्ट की तरह, आउटर कोर्ट से हम अपने आप को बिल्कुल आउटर कोर्ट में जब जाते हैं तो वहां पर हम हर एक चीज खुदा की तारीफ करते हुए, खुदा की हमद करते हुए, खुदा की तारीफ के गीत गाते हुए वहां से अंदर जा सकते हैं. जब तक आउटर कोर्ट में अपने जिस्मानी रूप से, अपनी जिस्म में से जब तक हम निकलते नहीं हैं, जब तक जिस्म में से नहीं निकलते तब तक हम होली प्लेस में नहीं जा सकते. सो जब हम आज खुदा की हजूरी में बैठे हैं तो वेन एवर वी सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी एंटर आवर सेल्फ इन आवर फिजिकल फॉर्म, जिस्मानी तौर पे दाखिल होते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप खुदावंत की शुक्रगुजारी करनी शुरू करेंगे, दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द लॉर्ड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग हिम थैंक्स. शुक्रगुजारी जो है ये सबसे बड़ा एक हथियार जो समझ लें इसको, ये आपका वेपन है. एक शुक्रगुजारी जब हम करते हैं तो शुक्रगुजारी करते 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 आप अपने जिस्मानी उस माहौल से निकलकर तो रूह के साथ जुड़ना शुरू करते हैं. आमीन. सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. मैं शुक्रगुजार हूँ आज बच्चे हम सब मिलकर आपकी साथ मिलकर खुदावंद की हजूरी में हम प्रस्तुति करेंगे. आई एम सो थैंकफुल टू आशर भाई, गॉड ब्लेस यू. रवि भाई के लिए, रवि पीछे ठीक नहीं था लेकिन थैंक गॉड फॉर गॉड हैज़ गिवन हिम अ गुड हेल्थ. और बेटियों के लिए, अरेब माया के लिए, आप सब के लिए शुक्रगुजार हैं. भाई आसिफ काफ़ी देर के बाद आए, वेलकम यू सर. गॉड इज़ गुड. आमीन. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने अपने बेटे को पाकिस्तान में संभाले रखा और सही सलामत. थैंक यू जीसस. आइए एक दो मिनट के लिए शुक्रगुजारी करनी शुरू करें. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू प्रेज, वी सरेंडर आवरसेल्फ. हम अपने आप को खाली करते हैं प्यारे खुदाबंदा, खाकसार करते हैं प्यारे खुदाबंदा, अपने आप को खाकसार करते हैं प्यारे खुदाबंदा, अपने आप को खाकसार करते हैं, खाकसार करते हैं, छोटा करते हैं अपने आप को, अपनी खुदी को, खुदी का इनकार करते हैं, अपनी बदी से बाज आते हैं. आपके कदमों में जब हम अपने आप को लेके आते हैं तो प्यारे खुदावंद आज हम अपनी आंखें आपके पहाड़ों की तरफ उठाते हैं. प्यारे खुदावंद आपके पहाड़ों की तरफ आंखें उठाते हैं जहां पर आप अपने फजल के तख्त पर विराजमान हैं, जहां आप अपने रहम और करम के तख्त पर विराजमान हैं. हम शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद, शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद, शुक्रगुजार हैं. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू. पूरे दिल से करता हूं
पूरी जान से करता हूँ, पूरी अकल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। ये सब खड़े होके कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के पास एक आलम जो था, जो खुदा के तोरा की बातों को जानता था, शरीयत से वाकिफ था, वो आके कहता है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यही फरमाया उसको कि अपने खुदावंद खुदा से अपने पूरे दिल, पूरी अकल, पूरी ताकत से क्या कर, मोहब्बत कर। पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरी अकल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। आप सबकी आवाज आनी चाहिए, पूरे दिल से, पूरे दिल से करता हूँ, पूरी जान से करता हूँ, पूरी अकल से करता हूँ मैं तुझसे प्यार। यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, यीशु तुझसे प्यार, तुझसे प्यार, तुझसे
बोलो यीशु मसीह के नाम की। यू नो, जब मोहब्बत की बात करते हैं तो जब हम अपने खुदावंद खुदा से पूरे दिल, पूरी अकल, पूरी ताकत से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब पता क्या है? यू हैव द होल हेवन बैकिंग यू अप। पूरे का पूरा आसमान जो है, आसमान की फौजें, खुदा के फरिश्ते, लाखों करोड़ों फरिश्ते जो हैं, जो खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा का पूरा आसमान उसके साथ साथ होता है। खुदा के फरिश्ते जो हैं, वो आपके आगे पीछे आपको घेरे रखते हैं। सिर्फ घेरे ही नहीं रखते, वो हमारी खिदमत गुजार रूहें हैं, खिदमत गुजार रूहें जो हैं। जब मैं और आप ये कहते हैं कि खुदावंद, मैं अपने पूरे दिल, पूरी अक्ल, पूरी ताकत से आपसे मोहब्बत करता हूं, तो हम ये कहते हैं कि ऐ खुदावंद, मैंने तुझे अपना मस्कन बना लिया हुआ है। आई हैव मेड यू माई रिफ्यूज। वेन यू से दैट, लॉर्ड आई लव यू विद ऑल ऑफ माई हार्ट, आई लव यू विद ऑल ऑफ माई स्ट्रेंथ, आई लव यू विद ऑल ऑफ माई पावर, आई लव यू विद ऑल ऑफ माई हार्ट, व्हाट आर यू सेइंग? यू आर सेइंग, Lord, I have made you my refuge. जब आप ये कहते हैं कि खुदावन मैंने तुझे अपना मस्कन बना लिया, तो खुदावन, God commands his angels. खुदावन अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इन बच्चों की हिफाजत करो, चारों पांच तरफ से सराउंड देम। जब खुदावन हमारे साथ है तो कौन हमारे मुखालिफ हो सकता है? ये न जोर से और न ताकत से, वही वही ठीक है बेटा, तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा।
जहाँ होती है रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तेश खुदावंद खुदा जहाँ होती है रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तेश खुदावंद खुदा तेरा तख्त वहाँ लगता है कलाम में यही पढ़ा तेरा तख्त होते हैं जख्म नासूरी जहां होती है तेरी हजूरी अच्छे होते हैं जख्म नासूरी देता अजमत कलाम को अपने तेरे नाम की दिखती गयूरी देता अजमत कलाम को तेरे नाम की दिखती गयूरी लंगड़ा पहाड़ भी मैं
यीशु के नाम में उखर और समुद्र में जाकर ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, 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 ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से तेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, तू यहोवा है एलेलियों, तू यहोवा है एलेलियों, दुनिया में है कुछ जैसा There is no one like Jehovah. There is no one.
मतलब होता है खालिक खुदा, रचने वाला खुदा, द क्रिएटर गॉड। अगर हम यीशु मसीह के खून के खरीदे बेटे बेटी हैं तो हम एलोहीम के बेटे हैं। आमीन। तो अगर हम मैं बड़ी बार ये कहता हूं कि जो हम ऐसे चीजें ऐलान करते हैं तो वी आर अनाउंसिंग एंड प्रोनाउंसिंग, अपने एटमोस्फेयर में उन गंदी रूहों को अनाउंस करते हैं, I'm not alone. मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि मेरा यीशु यहवे शमा जो है, जो साथ साथ रहता है, उसने मेरा हाथ थामा हुआ है, उसके हाथ को पकड़े हुए हूं मैं, उसने मुझे अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। हालेलुया। दुनिया में है तुझ जैसा कौन, तू यहोवा है एल एलियन, कम ऑन, तू यहोवा है एल एलियन, यस, दुनिया में है तुझ जैसा कौन, ये पहाड़ भी, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़
वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा और चरवाहा अच्छा है, चरवाहा अच्छा है, न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा, उनके बीच
खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की बातें करते थे। Believe me, my brothers and sisters, when you talk about the resurrected Christ, जब आप जिंदा खुदावंद के बारे में बात करते हैं, He is walking beside you. वो आपके साथ साथ चलते नजर आते हैं। फिर आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, वो साथ है, वो भस्म करने वाली आग है, खुदावन के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग है। वो दिन को बादल, रात को आग के सतून में साथ है, मेरे साथ साथ, 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 कहें मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, पकड़े हैं हाथ, पकड़े हैं हाथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ, पकड़े हैं हाथ, पकड़े हैं हाथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, पकड़े हैं हाथ, मेरे हैं हाथ, मेरे साथ साथ, 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 मेरे साथ साथ। Holy Spirit, we welcome you in this place.
We give you praise, we give you praise, we give you praise. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए और इस वक्त तमाम जितने भी all around the world global church को हमारी church की तरफ से मेरे घराने की तरफ से इस पूरी कलीसिया की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत शालोम and I hope you are having a wonderful time of fellowship, amen. हमारी ये दुआ है कि हम जितने भी इस वक्त एक यूनिटी में मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं इसी तरह आज खुदावंद हम पर फजल करें हमारे कान खुल जाएं हमारे रूहानी कान खुल जाएं और हमारे अंदर खुदावंद का पैगाम खुदावंद की आवाज़ हमारी रूह में उतर जाए ताकि खुदावंद की जो पाक मर्जी है हमारी जिंदगी में वो पूरी हो हम मिलकर कह सकते हैं एक आवाज़ से आमीन हालेलुया सो आवर गॉड इज अमेजिंग आवर गॉड इज अमेजिंग जो हमने स्क्रिप्चर पढ़ा इस अ वार्निंग इस अ मैसेज इस अ ब्लेसिंग ओके सो इसका जो है मेन ये है कि फेथफुलनेस पर ये ज्यादातर है ज्यादा बेस है सो यस गॉड इज लुकिंग फॉर फेथफुल पीपल द टाइम वी आर गोइंग थ्रू जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं apostasy jo hai aur jo aap dekh rahe hain ki there are so many tests so many trials so many difficulties so many confusion bahut sare confusion hai bahut sare obstacles hain rukavte hain kin ke aage imandaron ke aage amen so yes hum jo hai is scripture ko jo hai brother suhail ke sath milkar padhenge and it's an amazing scripture so hum pehle jo hai khudam ke kalam mein se dekhenge ek baar phir se aaiye hum brother suhail ke sath milkar ise dekhte hain sunte hain kalam muqaddas mein se mukashfa ki kitab uska teesra bab aur abhi hum iski tilawat jo hai wo 14vi ayat se lekar 22vi ayat tak jo hai iski tilawat jo hai wo is pure hawale ki karenge और वहाँ पे खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है और लुदिकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जो आमीन और सच्चा और बारहक गवाह और खुदा की खलकत का मुबादा है वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो तू सर्द है ना गर्म काश के तू सर्द या गर्म होता बस चूँकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तुसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ बस सरगर्म हो और तौबा कर देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है खुदावन के पाक नाम के पढ़े और संजय पास की खास बरकत हो आमीन थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द वेरी वर्स मैरी रेड फॉर अस बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक इफ एनीवन हियर्स माय वॉइस एंड ओपन द डोर आई विल कम इन टू हिम एंड डाइन विद हिम एंड ही विद मी To him who overcomes,
I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Hallelujah. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen and amen. This is the word of the Lord. So yes, ये जो एक जो है पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे मैसेज कैसे मिला. I had no idea at all that I would be preaching this message, and this message has been given to me as I was on my way to church. Okay, so जब चर्च के लिए सुबह हम तैयार हो रहे हैं, we had to go somewhere early in the morning, and उसके बाद आके हमने थोड़ा rest लिया. तो उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो खुदावंद ने ये मुझे मैसेज दिया, एंड आई सेड कि मैं कौन होती हूँ कि खुदावंद की आवाज़ को ना सुनूँ और उसका मैसेज कन्वे ना करूँ. Amen. Who am I कि मैं खुदावंद के इस कलाम को रोक सकूँ. सो हाउ एवर द लॉर्ड इज़ लीडिंग मी, पाकरू जैसे मुझे सिखा रहे हैं, मैं वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी. आप जितने भी इस वक्त इस जो है फेसबुक के साथ हमारे साथ शामिल हैं, यस आमेन. यहाँ पर जो है ये मैं शुरू करना चाहूँगी, सेवन चर्चेस जो है रेवलेशन में सेवन चर्चेस हैं. और जो है अगर किसी के मेरे साथ साथ इन जो है उर्दू में इन चर्चेस का नाम जो है अगर थोड़ा डिफरेंट हुआ तो आप यू हैव फ्रीडम टू जस्ट से. एक जो है उसको अगर आप अपनी स्टडीज में देखना चाहें तो हम पहला जो है वो है इफ्सस का चर्च, इफ्सियों का इफ्सस का चर्च एफिसस. ओके, जिसको रिजेक्ट है और ईवल है, परवर्स है, वहाँ पर गलत काम होते हैं, एंड हैज़ नो पेशेंस, कोई सब्र तो हमल नहीं है उनके अंदर. ओके, एंड प्यार भी खुदा उनका बुझ चुका है वहाँ पर. ओके, और उनको खुदावंद ने क्या कहा है कि पहले जैसा काम फिर से करो. जब तुम खुदावंद में आए उसी तरह उस काम को याद रखो और फिर से वैसा काम करो. सो यानी कि द लॉर्ड इज सेइंग रिपेंट, वापस आओ. ठीक है, एक ही जो इन सब के लिए जो है कहा गया है, डू द फर्स्ट वर्क, यानी कम बैक टू द वेरी पॉइंट वेयर यू वर. दूसरा है स्मरना. ओके, स्मरना जो है दूसरा बाब उसकी 8 से लेके 11 वर्स है. सो मेरा ख्याल उर्दू में भी स्मरना ही है, स्मरना. ओके, जहाँ पर फर्क हो आप बोल सकते हैं. ये है ग्रेसफुली हेयर्स, यू नो ग्रेसफुली सफर्स. ठीक है, बेयर्स सफरिंग, लेकिन इसके ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है. लेकिन खुदा ने इनको भी कहा है कि आपने ईमानदारी में वफादारी में आना है. Be faithful until death. So that means कि यहाँ पर ये चर्च भी जो है wavering है. Okay? So इसको individually नहीं हम देखेंगे हमारे पास, क्योंकि ये एक पूरा पूरी studies है जो पूरा महीना भी लग जाता है और पूरा दिन भी लग जाएगा. लेकिन ये है कि ये suffering भी है, लेकिन इनको खुदा ने कहा है कि ईमान आखिर तक ईमानदार रहना है. ओके, एंड तीसरा है थाइथेरिया. थाइथेरिया जिसको है जो जी ओके पर्गमन, सॉरी सॉरी यस पर्गमन यस. इनके पास ईमान है, इनके पास ईमान है यसु का, लेकिन ये जो है इनके पास फरीसियों वाले काम हैं और जो है इमोरल हैं, गलत काम भी हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं. आमेन. इनको भी खुदावंद ने फर्क वैसे कहा है, यहाँ पर ओपनली कहा है कि तौबा करो. ओके, नाउ ये सब जो है चर्चेस जो हैं ईस्टर्न इलाके में हैं, टर्की में हैं और आज भी हैं. ओके, सो यस, अभी आता है नंबर 4 थाइथेरिया. ये जो है इनकी जो है आइडोलेट्री में, आइडोलेट्री बुत प्रस्ती में और बुरे कामों में इमोरल है, लेकिन चर्च भी है, चर्च भी है, लेकिन इन चीज़ों अंदर ये चीज़ें हो रही हैं. ओके, नाउ इनके लिए भी खुदावंद ने इनको वार्निंग दी है कि जजमेंट इज कमिंग, कीप द फेथ, कीप द फेथ. ईमान में मजबूत रखें, अपने ईमान में कायम रहें. ओके, नाउ सेड्रिस, सेड्रिस सम हैव केप्ट
द फेथ सम डिडंट कुछ हैं जिनका ईमान है कुछ का नहीं है. मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ हम देखेंगे हम कहाँ पर हैं और जितने भी चर्चेस हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हम अपने आप को देखेंगे बिकॉज आगे जाके जो खुदा की ब्लेसिंग है उसमें हमने शामिल होना है. ओके सो सैजरीज के लिए इज अ डेड चर्च मुर्दा चर्च है कोई रूह का काम नहीं. मुर्दा वो होती है जगह जहाँ पर खुदा का काम कोई नहीं होता जहाँ पर सच्चाई नहीं है जहाँ खुदावन जुम्बिश नहीं करता जहाँ पर खुदावन का पाक रूह नहीं आता जहाँ पर खुदावन की क्रॉस का कलाम उसकी रेजरेक्शन का कलाम उसके जी उठने का कलाम जो है नहीं सुनाया जाता और उस पर अमल किया जाता. इनको भी खुदावन ने यही कहा है खुदावन के फरिश्ता ने रिपेंट एंड स्ट्रेंथन वॉट रिमेन्स जितना बच गया है जो बाकी बच गया है उसमें कायम रहे. अभी भी वक्त है जिनके जो जिन चर्चिस में बहुत खराबियां हो चुकी हैं जो चर्चिस टूट चुके हैं बिखर चुके हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जो रिमेन है उसको बचा लीजिए ताकि उसमें से खुदावन एक नई बरकत निकालें. आमीन. व्हेन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम एंड ही विल मेक यू अगेन. ओके वेरी फेथफुल चर्च. अब ये जो बात है कि बाकी चर्चेज जो हैं इनमें जो गलतियां हैं इनमें जो है फॉल्ट्स हैं इनमें खराबियां हैं ये चर्च जो है फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया उर्दू में फिलाडेल्फिया ही है. ओके ओके फिलाडेल्फिया. सो फिलाडेल्फिया जो है सॉरी मैंने इन बाकियों के स्क्रिप्चर में आपको देना भूल गई. फिलाडेल्फिया चैप्टर 3 वर्स 7-13 है. ओके ये सिर्फ ईमान में जो है कमज़ोर है सॉरी ईमान में मजबूत है ईमान में मजबूत है और कलाम में भी लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है वो आप मैं चाहूँगी कि हमारा चर्च जो इस वक्त यहाँ पर है वो मुझे बताए कि इनमें फिलाडेल्फिया की कलीसिया में क्या है. इन हालांकि इनके इनका कोई ख़ास क्रिटिसिज्म नहीं है इन पर कोई ख़ास इल्ज़ाम नहीं है लेकिन इनमें एक चीज़ की कमी है वो क्या है जी. किसी ने बोला है अभी कुछ आप पढ़ के बताएंगे. ओके तो हाँ जी क्या है कोई एनीथिंग. सो इस चर्च के फिलाडेल्फिया के लिए खुदावन ने क्या कहा है. ओके पहली सी मोहब्बत आप सब पढ़ रहे हैं. सो यस पहली सी मोहब्बत जो है तेरी कहाँ है. ओके सो ये जो है इस पर हमने देखना है कि तेरी पहली सी मोहब्बत कहाँ है. द चर्च इज खुदा चर्च जो है खुदावन के प्यार से बना है खुदावन के लहू से बनाया गया है उसकी पसली से निकला है और खुदावन ने अपनी कुर्बानी दे के चर्च को खरीदा है. सो यस दैट इज लव अगापे लव. ओके एंड ही इज सेइंग यू आर गुड इन एवरीथिंग हर चीज में प्रिजर्व in the faith keep or the word of the lord word of the lord honor the name of the lord. teen cheeze hain aap jo hai iman mein mazboot hain aur kalam mein khudaon ke kalam ko bhi jante hain khudaon ki gawahi ko jante hain khudaon yesu ke kalam ko injil ko jante hain gospel ko jante hain uski marne aur jee uthne ki resurrection ko jante hain sab kuch hai aur honor bhi karte hain uske naam ko. देखो कितनी प्यारी चीज़ें हैं ये तीन. ठीक है आप सब कुछ करते हैं उसके नाम को ऑनर भी करते हैं. अब कोई कहेगा कि इस इनमें तो कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है किसी चीज़ की कमी नहीं है ये तो हर तरह से ठीक है और हैं भी हैं ये देखने में बाकी चर्चेस से सब ठीक हैं एंड इनके लिए कोई ख़ास क्रिटिसिज्म नहीं. बट ही सेज रिमेंबर योर फर्स्ट लव अपना पहला प्यार याद रखना. जब ये पहला प्यार वो है वी हैव टाइम गुड टाइम एंड इसको हम देखेंगे क्योंकि अगर इसकी इसका शुरू बेस जो हमारे पास होगा तो हमें जो इसका एंड भी समझ आएगी. सो जब हम खुदावन में आते हैं एंड उस वक्त हम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टूटे होते हैं बिखरे होते हैं नीड में होते हैं और यू नो क्रश्ड हैं वी आर क्रश्ड एंड स्कार्ड एंड यू नो एवरीथिंग पूरी तरह से हम कुचले हुए हैं यू नो हमारी रूट बुझी हुई है. सो ये हमारी हालत है जो शुरू में हमारी हालत होती है. हम ईजिली खुदा उनके पास नहीं आते हमें जब ज़रूरत होती है हम लोग जो हैं हम हमें हमेशा ज़रूरत होती है
हम इंसान जो है हमें वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग, वी आर लुकिंग फॉर द यू नो एवरीथिंग, जो भी दुनियावी चीज़ें हैं और हमें जो चाहिए हम उनको देखते हैं। और जब हमारा बस नहीं चलता, उस औरत की तरह जिसका 12 बरस से खून बहता था और उसने जब सब कुछ खो दिया तो उसके पास रास्ता कौन सा था? यीशु मसीह था। इस तरह के लोग जब खुदावंद में आते हैं, अब अगर खुदावंद में आके उसके उसको चख के उसको एक्सपीरियंस करके फिर भी उस मोहब्बत को भूल जाते हैं तो दैट इज रॉन्ग। मोहब्बत जो है खुदावन यीशु मसीह है, हालेलुया। एंड इफ यू नो हिज वर्ड, अगर आप उसके कलाम को जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं और उसका ऑनर भी करते हैं, लेकिन आप वो आपके अंदर नहीं है, उसकी मोहब्बत नहीं, खुदावन खुद मोहब्बत है। और ये खुदावन ने अपने सब जितने भी गिफ्ट्स हैं उसने कलाम में लिखा है कि अगर तू प्रोफेसी करे, प्रोफेसियां करे, गैर जुबाने बोले, आग भी बुला ले, क्रंथियंस में, और सब कुछ ये सब है। आप मौजजात कर रहे हैं, आप में कुदरत है, ओ हालेलुया, लेकिन आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत साबर है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत इन सब चीजों के अभाव है। आमीन। एंड मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह है। Do you agree that Christ is the source of love? Yes, he is the source of love. And he wants everyone to be filled with his love. Amen. So ye jo church hai, isme sirf mohabbat ki kami hai. Hallelujah. And the Lord is still saying, keep that. Keep that. Hallelujah. Wo mohabbat, wo iman, phir se wo iman ke saath hi judta hai. फिर उसमें जो है वो मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है और ये मोहब्बत जो है लहू है, खुदावंद का लहू। ओके, सो जो खुदावंद का लहू है उसकी शुक्रगुजारी है, उसमें लहू हमें आगे लेके जाता है। हाउ डू वी, हम कैसे गालिब आते हैं बड़ी बड़ी बुलाओं पे, जितने भी आफते हैं उन पर कैसे गालिब आते हैं? हम बर्रे के लहू से और अपनी गवाही से गालिब आते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी लियाकत या खूबी नहीं, कोई भी ऐसा सूरमा नहीं है जो इन बड़ी बड़ी बलाओं पर गालिब आए। It's only by the grace of God that he has given us the a very precious weapon of his blood, and we overcome by the precious blood of the Lamb of God and by the word of his our testimony. उसके कलाम पर, उसकी गवाही को जब हम अपने ऊपर लेते हैं, अपने अंदर उसके गवाह बनते हैं, जब हम उसके गवाह हैं और उसके लहू की कुदरत को अपने ऊपर लेते हैं तो हम गालिब आते हैं। आमीन। सो वी हैव नीड टू कीप दैट लव, हालेलुया। एंड लुडिसिया, लुडिसिया को के लिए ये है कि भी पूरी तरह से खुदा उनके आगे झुक जाओ। दिस इज सॉरी चैप्टर 3:14-22। इनके लिए यह है कि तौबा करो, हालेलुया। अपने अंदर, आपके अंदर वो जोश आए, आपके अंदर वो होश आए, जागो और खुदावन के करीब आ जाओ, हालेलुया। एंड देन यू विल शेयर द थ्रोन ऑफ गॉड, फिर आप जो है खुदावन के तख्त में जो है उसमें शामिल हो सकेंगे, हालेलुया। इन सब चीज़ों को जो हमने जब पढ़ा है, ये जो है हम जो है लुडिसिया के चर्च को देखेंगे, इस पर गौर करेंगे। इनके लिए खुदावन ने कहा है बी ज़ेलस, आप में जोश नहीं है, आप में जो है होश में आए और तौबा करें। और ये चर्च जो है लुडिसिया का चर्च, इसको जो है वार्निंग मिली है। सो ये ऑल थ्रू इस सारे जो है जो हमने पढ़ा है मैसेज, ये सब मैसेज चर्चेज, तमाम चर्चेज के लिए सेम है। और यहाँ पर जो है वार्निंग है, यहाँ पर मैसेज है, यहाँ पर ब्लेसिंग है। एक आपके हमारे लिए खुदावन ने एक जो है पैगाम दिया है, खुदावन ने हमारे लिए एक जो है वार्निंग को, उर्दू में क्या कहेंगे, वार्निंग को वार्निंग ही कहेंगे, और जो है जी चुनौती है। सो चुनौती है और एक हमारे लिए ब्लेसिंग है जो पोजेशन की, एक हमारे लिए पोजीशन है जिसको खुदावन ने हमारे लिए रखा है। और अब क्या खुदावन कहते हैं, लुडिसिया, लुडिसिया का चर्च जो है बिल्कुल अपनी दुनिया में है, उनके पास पैसा है,
उनके पास हर तरह के रंग बिरंगे कपड़े हैं. They are wearing clothes, colorful clothes. Oh, I am the one. We are the only one. You know, this world is about the colors. This world is about the name. And this world is about the fame. Nothing else. And they are into that world. और ये उस world में हैं. ये चर्च जो है खो चुका है, अपनी सेंस खो चुका है. इनके पास पैसा है और ये सोचते हैं कि खुदा ने हमें ये दिया है. This is from the Lord. हमारे पास wealth है. We are have this and that. Oh, this is hallelujah from the Lord. But it's not. अगर हमारे पास सारी possession है, अगर हमारे पास hallelujah, अगर हमारे पास wealth है, अगर हमारे पास बड़ी-बड़ी businesses हैं, अगर हम supply कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खुदा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है. Hallelujah. We are empty. बिल्कुल empty vessel हैं. जिस तरह जिनके पास अगर प्यार नहीं है तो लिखा है कि वो empty vessel हैं. उसी तरह हम खुदा के बगैर बिल्कुल empty vessel हैं. यहाँ पर उनके लिए ये जो लिखा है, I know your work. मैं जानता हूँ तुम्हारे काम. Okay? You are neither cold nor hot. ना तो आप सर्द हो और ना ही आप गर्म हो. या सर्द हो जाएं या गर्म हो जाएं. अब देखना ये है कि when we are in you know, आपने ये मिसाल भी खुदा के कलाम में मत्ती में पढ़ी है कि दो कश्तियों में सवार इंसान नहीं आगे जा सकता. वो दो कश्तियों में आप जब आगे एक कदम भी नहीं जाएंगे, बिखर जाएंगे आप. ओके? एक जुबान से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता. दो खादमों की आप जो है खिदमत नहीं कर सकते. हाउ कैन यू? खुदावंद उस जगह पर कभी भी नहीं आएंगे जहां पर किसी किस्म की जो ऐसी बातें हो जो खुदावंद को पसंद नहीं. ही विल लीव, ही विल डिपार्ट, बट ही विल. और खुदावंद इंतजार करेंगे कि कब मेरा बेटा मेरी बेटी वापस लौटें, कब तौबा करें और मैं उनको अपनी बाहों में लूं. यस, ही विल नॉट लीव यू, क्योंकि खुदा उनका वादा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा. दुनियादारी के लोग जो हैं वो कहेंगे अगर इसने ऐसे किया है तो मैं तो इसको ऐसे कर दूंगा, अगर इसने ये किया है तो हम ऐसे कर देंगे. हमारा खुदा तहम्मुल का खुदा है, हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, हमारा खुदा इंतजार करता खुदा है. उसने आपसे और मुझसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. वो दुनिया में इसलिए आया ताकि वो हमें जिंदगी बख्शे. और जिंदगी कौन सी? कसरत की जिंदगी बख्शे. अगापे लव ही वांट्स अस टू हैव. ही वांट्स अस टू हैव इटर्नल लाइफ. ही वांट्स अस टू हैव फेलोशिप विद हिम. आपने अपने साथ जो है फेलोशिप में हमें लेना चाहता है. अब ये लूक वॉर्म है. अब मुझे ये बताएं कि जितने वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर ऐसी कोई ऐसी नहीं है कि हम पहले जैसे बच्चों की तरह जो पिछले खादम थे वो ऐसे लोगों को डरा देते कलीसिया को ऐसे नहीं करना नहीं तो ऐसे हो जाएगा. वी आर नॉट लाइक दैट. वी आर लिविंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल वेरी एक्सपोज्ड वर्ल्ड. ठीक है, हम ऐसी दुनिया में ऐसे दौर में हैं जहाँ हर कुछ जो है सब कुछ बेपर्दा है. और वैसे भी अगर हम देखें तो 139 जबूर के मुताबिक खुदावंद की आंख हम पर है और खुदावंद हर चीज़ हमारी जानते हैं और उससे वाकिफ़ हैं. ओके, नाउ ये जो लूक वॉर्म है यहाँ पर अब देखना है हमने कि इसको इस पर हमने गालिब कैसे आने. अगर आप लूक वॉर्म हैं तो आपने उसको गर्म कैसे करना है तो ठंडा कैसे करना है ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे इसका नहीं पता. आप बताइए मुझे जी. एनीवन? ना उधर ना इधर. लेकिन आप गर्म कैसे होंगे या ठंडे कैसे होंगे? हाँ जी, यहाँ आपको हीट मिलनी है गर्म होने के लिए और ठंडा अगर होंगे तो आप जो है हाँ जी रूह की आग चाहिए. हाँ जी, खुदा की रूह की आग चाहिए. सो यस, खुदा उनकी रूह की आग चाहिए. आप देखें जब पानी बॉयल होता है तो वो कितना खतरनाक है. उसमें जो भी आप डालेंगे वो क्लीन हो जाएगा जहाँ पर भी वो लगेगा. जो चीज़ों को साफ करने के लिए हर चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए पानी जो है गर्म होता है.
ओके इसी तरह ईमानदार की जिंदगी है, वो जब उसके अंदर आग है, शोला है, वो जहाँ पर भी जाएगा, वो जिसके साथ खड़ा होगा, वो उसका अफेक्ट होगा लोगों पर, वो जिस जहाँ जहाँ पर भी जाएगा अफेक्टिव होगा. आमेन. डू यू बिलीव दैट और नो? आमेन. यस. आमेन. एंड ब्रदर काशिफ कहते हैं आई फुली बिलीव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. सो यस, हमें जो है पूरी तरह से लूक वॉर्म होने की उसमें से निकलना है, वॉर्म हॉट होने की ज़रूरत है. सो लूक वॉर्म जो है उसके लिए खुदा ने कहा है कि और जो है लूक वॉर्म और जो है उसके लिए कहा है कि मैं वॉमिट कर दूंगा अपने मुंह से, मैं तुझे निकाल फेंकूंगा अपने मुंह से, मैं यानी कि उगल दूंगा तुझे मुंह से बाहर. ओके, दिस इज़ कमिंग आउट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. खुदावन के किंगडम में से बाहर निकल जाने की ये बात है, खुदावन की हजूरी में से बाहर निकल जाने की ये बात है. बिकॉज यू से आई एम रिच हैव बिकम वेल्थी एंड यानी कि ये सारी चीज़ें तो कहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैंने माल जमा कर लिया है सॉरी और जो है मैं कंफर्टेबल है. लेकिन खुदावन ने उसे कहा है बहुत ही सख्त एंड ये मैं चाहूँगी कि उर्दू में कोई इसको पढ़ते जो है 17th words प्लीज. हाँ जी प्लीज प्लीज चैप्टर्स 3. तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं. किसी चीज का मोहताज नहीं, अब मैं खुद मुख्तार हो गया हूँ. और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है. यहाँ पर बहुत सख्त वर्ड जो है इस्तेमाल किए हैं, कमबख्त और ख्वार और अंधा. Oh my goodness. So ये जो है very strong words हैं. यहाँ पर खुदावन की रिब्यूक आ रही है, ठीक है? ये रिब्यूक है और खुदावन नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ हमारे और खुदावन के बीच आए. There is nothing that come between us, believer की ज़िंदगी के बीच और खुदावन के बीच कोई भी चीज़ नहीं आ सकती. पौलुस रसूल जो खुदावन का बंदा, मोहब्बत में खोया हुआ बंदा, कहता है कि देयर इज नथिंग दैट कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड. आई एम रूटेड इन द लव ऑफ गॉड, आई एम ग्राफ्टेड इन द लव ऑफ गॉड. हालेलुया. सो यस, ही सेड ऑल, ये जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं वो कुछ भी नहीं, तुम कमबख्त हो और ख्वार हो, भटकते फिरते हो और अंधे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ. All you heavy laden, come unto me. और यहाँ पर खुदावन ने मसा इसलिए किया है कि अंधे बिनाई पाएं. हालेलुया. अंधे देख सकें. खुदावन यहाँ पर रेवलेशन में कह रहे हैं कि यहाँ पर आके मुझसे सुरमा ले ताकि तेरी आँखें जो देख सकें. रूहानी आँखें जब अंधी हैं तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आता. हम सोचते हैं कि जिस तरह वेल्थ है उसी को आप लें कि वेल्थ लग रहा है कि ये तो बहुत ही मेरे लिए अच्छी चीज़ है, मैं तो सबसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास सब है. लेकिन वेल्थ के पीछे खुद जो है आपकी डिसेप्शन है. दुश्मन आपको नीचे नीचे खींचे जा रहा है, दुश्मन आपको सड्यूस करते जा रहा है. और खुदा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तू सोचता है कि तू दौलतमंद है, लेकिन नहीं, तू ख्वार है, तू कमबख्त है और तू अंधा है. मेरे पास आ और मुझसे क्या ले, सुरमा ले, और फिर क्या कर, मेरे से रिफाइंड गोल्ड ले, आग में तपाया हुआ सोना ले, दैट यू मे बी रिच, उससे तू रिच होगा. ये जो है अमेजिंग चीज़ है, पाक रूह की बात है और पाक रूह की जो खूबियां हैं उसकी जितनी ब्लेसिंग्स हैं ये हमें जो है तो खुदावन में मिलती है. दुनिया का सबसे रिच इंसान वो है जिसका खुदावन खुदा है और जिस जो खुदावन किसी की राह पर चलता है, जो उसकी ओबीडियंस में चलता है, जो उसकी आवाज़ सुनता है, दिस इज द रिच मैन. हालेलुया. ये रिच मैन है. हालेलुया. लेकिन जो दुनिया की दौलत है अगर आपके पास है, बैलेंस, उसको बैलेंस कीजिए. ये नहीं कि आपने अब दौलत जो है सब कुछ ये नहीं रखनी, ये अगर दी है खुदावन ने, अपने खुदावन खुदा को पहला दर्जा दें, जो हमारा पहला हुक्म है, जो फर्स्ट कमांडमेंट है. हालेलुया. सो ताया हुआ जो गोल्ड है उसको हमने लेना है और जो है खुदावंद हमें अपना जो है
गारमेंट देंगे, अपना लिबास पहनाएंगे, हालेलुया, हमारी नेकेडनेस को जो है कवर करेंगे खुदावंद अपनी उस गोल्ड की पोशाक को, उस रिफाइंड गोल्ड के पोशाक से हमें जो है वाइट जो गारमेंट है उससे हमें जो है कवर करेंगे हमारी नेकेडनेस को। और ये जो वाइट गारमेंट है ये रास्तबाजी का लिबास है। अब जो मैंने आपसे ये शेयर किया कि अमीर इंसान वो है जिसके पास खुदावंद है और उसके पास पाक रूह है, उसकी इंटीमेसी में, उसकी रफाकत में, उसकी फेलोशिप में है, हालेलुया। सो यस, ये खुदावंद खुदा है जो ये वो इंसान है जो अमीर तरीन है और जिसकी आंखें देखती हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावंद जो है वार्निंग हमें दे रहे हैं कि अच्छी से सुने, ये इसी तरह इसीलिए ये बेल आई है कि लिसन टू मी ऑल यू जोकी। सो यस, जो है हमें खुदावंद से जो है मांगना है कि खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खोले, आमीन। और खुदावंद से मांगना है कि वो रिचेस जो आसमानी रिचेस हैं जिनको ना कभी कीड़ा लगेगा ना मौत लगेगा वो हमारे पास आए, आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे चलते हैं। सो इसको जो है एंड देन ही सेज, हम जो है स्किप कर रही हूँ, एंड ही सेज आई हैव कम बैक टू टू द 20th वर्स, बिहोल्ड I stand at the door and knock. Behold, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ. This is a present time call. Wake up call. ये हमारी एक wake up call है. Behold, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ. Hallelujah. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him. And dine with him. Hallelujah. अब देखें जकेई को आपने देखा है कि जकेई जब दरख्त पे चढ़ा तो खुदावन ने उसे कहा कि ऊपर जकेई, you don't need to climb up there. I know you are there. So खुदावन की आंख से कुछ भी छुपा नहीं है. He sees everything. He says, जकेई, come down. आज नजात तेरे घर है. I will come into your house. I have seen the desire. मैं तेरे दिल को जान गया हूँ. मैं तेरे दिल से वाकिफ हूँ. तू जानता है कि जो तू चाहता है कि मैं आज तुझसे जो है फेलोशिप रखूं. सो यह गॉड इज गुड. आई एम कमिंग टू यू. आई एम कमिंग टू योर हाउस टुडे. इसी तरह जिस तरह पास्टर साहब ने दो लोग जो अमाउस के रोड पे चल रहे थे उनको भी वहां पर खुदावन के नाम को वापस में बात कर रहे थे. एंड ही सेड माय फ्रेंड्स व्हाट यू आर यू टॉकिंग अबाउट. दे सेड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रूसिफिक्स. हम खुदावन के यीशु मसीह के मरने की बात कर रहे हैं, सलीब चढ़ाए जाने की. एंड खुदावंद को उन पर तरस आया क्योंकि वो उनके अंदर दर्द था खुदावंद के लिए, उनके अंदर एक प्यार था खुदावंद के लिए. इससे उन्होंने कहा कि हमारे घर हमारे साथ चलें. खुदावंद उनके पास आए. आप सब के और हम सब के साथ खुदावंद जो है डाइन करना चाहते हैं. हम सब के दिलों में आना चाहते हैं, हमारे खानदानों में आना चाहते हैं, हमारी कलीसियाओं में आना चाहते हैं, हमारे घरों में आना चाहते हैं जब हम उसकी आवाज़ सुन के दरवाजे पर जो दस्तक है उसकी आवाज सुन के दरवाजा खोलते हैं. इफ वी ओपन द डोर फॉर हिम ही विल कम इन. ही विल कम इन. अगर हम अगर खुदावंद के लिए दरवाजा नहीं खोलते, खुदावंद दस्तक देते रहेंगे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो ऐसे ही रहेगा काम. नाउ अनदर थिंग इज जो है ओपन द डोर फॉर मेरी भेड़ें. खुदावंद की भेड़ें खुदावंद की आवाज सुनती हैं. दिस इज अ वेक अप कॉल. Behold, I knock at the door. Behold, I stand at the door and knock. ये हमारे लिए wake up call है. हमारा main message, ये जो आगे पीछे मैंने share किया है वो सिर्फ ये है कि आप उसको elaborate करने का, जो motivate करने का main message ये है. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him. And he with me. Aapki I'm just speaking to all around the world. I have about 7 minutes and I need to cover that. Duniya mein aap duniya bhar ke kisi bhi kone kone se aap hamare sath is waqt connect kar rahe hain. Aap kisi bhi situation mein kahin par bhi hain, kisi aisi jagah pe hain jahan se aap nikal nahi sakte, kisi qaid mein hain, kisi pareshani mein, kisi relation mein, kisi addiction mein, kisi dard mein, bimari mein, kahin par bhi hain. Listen, he is knocking on the door. Just open the door for Yeshua. He will come in
and he will rescue you. He will come in and he will come and he wants to have a fellowship with you. Aaj khudaan, aaj aap darwaza Yesu Masih ke liye khol de. You will say, how do I open the door for him? He is just saying, but main darwaza kaise kholun? Hallelujah. Jab hum darwaza dil ka kholte hain, to hum usko bulate hain. Hallelujah. Pure dil se, puri jaan se, puri akal se, karta hoon main tujhse pyar. Ek dafe keh dijiye, Yesu, main aapse pyar karta hoon. Yeshua, मैं आपसे प्यार करता हूँ. मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया. जब मैं गिर गया और मैं घिर गया, जहाँ पर मैं भटक गया, मेरी हर राहों में आप ही ने मेरी मदद की है. अब खुदावन से आज कहिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ. यस, एंड आई टेल यू, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे जो है टाइम का है, मेरे पास 5 मिनट है. एंड आई, दिस इज़ फॉर यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, बेटे बेटियाँ जो भी हैं. हालेलुया, ये लाइन आपके लिए. यस, जीसस लव्स मी. यस, जीसस लव्स मी. यस, जीसस लव्स मी. Yes, Jesus loves me. Little one, to him belong. You are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. He wants to wipe your tears. He wants to embrace you. खुदावंद आपके आंसू पहुंचना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं. जो आपके दिलों पे बोझ है, जो आपके अंदर बर्डन है, आज खुदावंद के आगे उसे उंडेल दीजिए. He wants to embrace you. He wants to lift you. Hallelujah. Praise the Lord. कुछ चीजें मैं जल्दी से शेयर करना चाहूंगी. अंदर एक है कि माई वॉइस, आवाज सुनना बहुत जरूरी है. बी अटेंटिव टू द लॉर्ड्स वॉइस and not attentive to the world. Okay, so ek koi believer tha, to usne kya kiya ke usko laga ke main shayad khudaon ki awaaz sun raha hu, theek hai, lekin wo khudaon ki awaaz nahi thi. Isi tarah hum Elijah ko dekhte hain ke Elijah jab gaar mein tha to aandhi aayi, ye hua, wo, is tarah awaazein, lekin usne pehchana ke khudaon ki awaaz kaun si thi. विस्पर में थी. आमीन. जब खुदावन की आवाज़ हमारे कानों में आती है, हमें पता चल जाता है हमारे खुदावन की आवाज़ मीठी है, हमें उठाती है, हमें रिवाइव करती है. हालेलुया. किसी तरह से भी डिस्करेज नहीं होना, किसी तरह से भी जो है परेशान नहीं होना. आमीन. टू हिम हु ओवरकम्स. ओके, जो गालिब आएगा, सो उसको, उसके लिए क्या है? आई विल ग्रांट टू सिट विद मी ऑन माई थ्रोन. उसे जो गालिब आएगा, उसे वो तख्त पर अपने साथ बिठाएगा. हालेलुया. ये खुदावंद का खुदावंद, लश्करों का बाप, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, जिंदा खुदा जो अल्फा और ओमेगा है, बिगिनिंग और आखिर है, जो हमारी जिंदगियों का मालिक और खालिक है, जिसके पास जिंदगी देने का और जिंदगी लेने का इख्तियार है, वो आज हमसे कह रहे हैं, अगर हम अपना दरवाजा दिल का खोल देंगे और खुदावंद हमारे अंदर आएगा, उस वक्त खुदावंद हमारे साथ साथ चलेंगे और खुदावंद के लोग हम कहलाएंगे. और वो उसने जो हमें नाम दिया है अपने अपने अपनी कुर्बानी के वसीला से, उसके लोग, पिक्यूलिया पीपल, हिज पिक्यूलिया पीपल, मुझे उर्दू में ये कहना नहीं आएगा. एंड यस, हम उसकी, उसके लोग होंगे. उसने हमें अपना नाम दिया, उसके शाही कहनों का कबीला. यस, ही विल मेक अस, अपने तख्त के साथ बिठाएगा. आज कोई अपने साथ नहीं बैठाता किसी को. कहते हैं नहीं, जो है अगर यहाँ पर बिठाया, अपने साथ बिठा तो वो चेयर ही ना ले जाए. सो ऐसे नहीं है. खुदा कहता है, कम कम विद मी, मेरे साथ बैठो. I will make you sit with me. Yes, I will. Okay, ये जो है overcome कैसे होना है? Overcome, ये एक overcoming is a height. ठीक है, गालिब आना एक height है. गालिब जो आते हैं जो है
मुझे इस वक्त नाम जल्दी मैं भूल गया, यहाँ का एक खादम है जिससे 10 मुर्दे जिंदा हुए थे, एंड स्मिथ विगल्सवर्थ. सो जो है स्मिथ विगल्सवर्थ जो है फिजिकली पहाड़ पे गए और पहाड़ पे जाके दुआ करके आए, एंड ही वॉज वेरी एंशियस कि खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ. तो मिसिस ने बोला कि आपके पास दुआ का तोड़ा बहुत अच्छा है, उसको संभाल के रखें, इसी में से कुदरत निकलने वाली है. हालेलुया. इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं दुआ करने वालों को जो है इनकरेज करते हैं. सो यस, वो पहाड़ पे गए, वहाँ पर जो उन्होंने टाइम गुजारा, वो पहाड़ पर ज़रूर गए लेकिन वो ही केम डाउन. जब वो बिल्कुल जब पहाड़ से उतर के आए ज़मीन पर, जो उन्होंने दुआ की झुक के, और वो क्लाइमैक्स थी, वो हाइट थी. वैसे वो पहाड़ पे दुआ करने गए, नीचे आके वो झुक गए हैं और वो उनकी हाइट थी. आमीन. जब हम जो है गालिब आते हैं तो हम ऐसे नहीं आते कि किसी जगह पर चढ़ जाएं या कुछ गुलर के पहाड़ पर पेड़ पर चढ़ जाएं. जो क्लाइमेक्स है वो पेट पर है. जब हम पेट के बल होके अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करते हैं और खुदावंद की तारीफ करते हैं और कहते हैं नॉट माई विल बट योर विल बी डन. हालेलुया. मेरे साथ कहिए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो. हालेलुया. मैंने देखा है, मैंने खुदावंद को एक्सपीरियंस किया है, जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हम हमारे आगे और ज्यादा रुकावटें आते हैं, डिसोबीडियंस में हम आ जाते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं लेट योर विल बी डन, खुदावंद आपकी मर्जी पूरी हो, आई स्टे aside, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, खुदावंद लेट आपकी मर्जी पर चलना चाहता हूँ, एंड यू विल सी के किस तरह खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े ऐसे अजीब अजीब काम करेंगे. आमीन एंड आमीन. सो यस, दिस इज आई एम ऑलमोस्ट फिनिश, एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग बीइंग पेशेंट. एंड खुदा एक मत्ती की इंजील में दिखा है कि मैं 24 बाप में 36 वर्ष के मैं चोर की मानी दाता हूँ. ध्यान रखिए, आज खुदा ने आवाज दी है, आज दस्तक दी है, लेकिन वो चोर की मानिंद आने वाला है बहुत जल्दी. सो हम जो है खुदा उनकी आवाज़ सुने, इस पर जो है काम करना शुरू करें, अपने बुरी राहों से, अपने गलत तरीकों से बाज आ जाएं, ओके, और जो है अपना दरवाज़ा जो है उसके उसकी आवाज़ के लिए खोलें, उसके और अपने दिल में उसको लें, ठीक है. यहाँ पर जो एक वर्ड है ओवरकमर, ओवरकम के लिए, ओवरकम जो है गालिब आना, ओके, इसका जो है ये कैसे होता है, ये जो फेथफुल है, जो फेथफुल है वो गालिब आएगा. और फेथफुल कौन है? फेथ फेथ में रास्तबाजी और ईमान, ये दो चीज़ें जो हैं ये फेथफुलनेस है, ओके. रास्तबाजी और जो है ईमान, ये दोनों चलते हैं, जब इनमें हम जो है रहते हैं तो ये फेथफुलनेस है. हम ये एक फल है, रूह का फल है जिसमें हम इसमें ऑपरेट होते हैं. तो जो है गलतियों 5 बाप उसकी 22 वर्ष में लिखा है कि ये जो फल है रूह का, इसके खिलाफ कोई शरीयत नहीं. आमीन. ये क्लाइमैक्स है. आमीन. दिस इज अ क्लाइमैक्स. सो इसके लिए जो है एक वर्ड है जो फेथफुलनेस के लिए, और वो है एमनॉन. एंड एमनॉन का जो है जो एक रिलाय करना पूरी तरह से, फेथफुल एमनॉन जो है पूरी तरह रिलाय करना, पूरी तरह खुदा उनके हाथों में देना, अपने अपनी मर्जी नहीं, अपने आप को खुदा उनके हाथों में छोड़ देना. सो आई एम जस्ट गोना लीव इट हियर. एंड जब फेथफुलनेस में आप आते हैं तो खुदावंद में बने रहें. आमीन. और आ जाइए आप सारे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने आज कलाम सुना है, आपके दिल पे चोट लगी है या आपके कानों में आवाज़ गई है, दिल में आवाज़ आई है, आज क्यों ना अपनी जिंदगियों को खुदावंद के कदमों में लें. खुदावंद से भाग कर नहीं कहीं पर भी कुछ हासिल नहीं हम कर सकेंगे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. सो एक गीत भाई आई थिंक भाई अनस का है, लेकिन वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, अभी आया था मुझे भूल गया. तो जो है इसी के साथ ही था. तो गॉड इज गुड. अपने कदमों पे खड़े हो जाइए. सो गॉड इज गुड. सो समटाइम आप जल्दी से सोचते हैं तो आपके हालेलुया हालेलुया. मेरे साथ मिलके ये दुआ कीजिए और हालेलुया कि खुदा हमारी मदद करें. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड.
हालेलुया मेरे साथ मिलके, मैं चाहूंगी कि आज आप खुद कहें, मेरे पीछे ना कहें बल्कि कहें खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खोल दें और हमें अपना लिबास पहनाएं और खुदावंद हमें गर्म कर दें। हालेलुया हमारे हमारे ऊपर आपकी आग आए। हालेलुया 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 मैं तो हालेलुया अपने पाक रूह को हम पर उंडेलिए आज। हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को बुलंद कीजिए और अपना मुंह खोलिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रबा सुंदर रबा से करिया रबा खानदरी रबा सो करिया महंदर बाबा जेरे रबा खंदर बोसिया बराबरी रबा खानदरी रबा खा सो करो बो करिया रबा खानदरी रबा खारिया रबा खानदरी पाक रूह मदद कीजिए। आपके लोग इस वक्त जो खुदा किसी भी परेशानी मुसीबत में दे नीड यू होली स्पिरिट दे नीड यू रेस्क्यू देम हेल्प देम एंड लॉर्ड हालेलुया प्रिपेयर देम फॉर दैट पोजीशन फॉर दैट हालेलुया खुदा उस गिफ्ट के लिए कि जो गालिब आएगा वो खुदा उनके तख्त पर बैठेगा खुदा उनके साथ बैठेगा। खुदा हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो पीछे रह जाए। खुदा हम सब आपके उस तख्त के इर्द गिर्द या उस पर बैठना चाहते हैं आपके साथ आप मजमला के ढेर के नीचे से उठा के उमरा के साथ आपका कलाम कहते बैठाते हैं। हम आपको सारा जलाल देते हैं इन यीशुआ मसीह के नाम। गॉड ब्लेस यू आमेन एंड आमेन गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड के जिंदा कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें जो कलाम कलाम हथौड़े की मानंद है। बोले फिर से कहें कलाम हथौड़े की मानंद है कलाम भस्म करने वाली आग है। आमीन कलाम जो है वो भस्म करने वाली आग है। कलाम हथौड़े की मानंद है कलाम पानी की मानंद भी है साफ करता है हमें। आमीन सख्तियां टूटती हैं जो झाड़ियां शैतान हमारी सोचों पर ख्यालों पर डालने की जरूरत करता है जब आप कलाम को बड़े गौर से सुनते हैं उस पर अमल करते हैं तो वो झाड़ियाँ जल के भस्म होती हैं आपके दिलों की शक्ति टूटती है। आई बिलीव के आज बिल्कुल उसी तरह से खुदावंद के कलाम को जब हमने सुना जो कलाम में सुना है कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा क्या करता हूँ खटखटाता हूँ। आई एम नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर हार्ट ही हु Listen to the knock and open the door of his heart. I will come and dine with him. Amen. ये बहुत बड़ा वादा है खुदावंद का. Dine with him. ये नहीं है कि कबाब खाने शुरू करेगा वो. ये नहीं है कि बर्गर लाके खिलाएगा. No. He is gonna feed you from the word. Amen. इसमें जो जिंदगी है इस कलाम में जो जिंदगी है वो जिंदगी की रोटी आपको खिलाता है वो. जिंदगी की रोटी खिलाता वो आमीन और जिंदगी की रोटी हम तब ही खा सकते हैं जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आता है। हम अपने अपने होठों को खोलकर दो मिनट के लिए शुक्रगुजारी सब करें खुदावंद के जिंदा कलाम की रोटी के लिए। आई वॉन्ट एवरी माउथ टू बी ओपन प्लीज गिव हिम थैंक्स फॉर द वर्ड गिव हिम थैंक्स फॉर द बाइट्स ऑफ हिज वर्ड Every single bite you have received, हर एक नवाला जो आपने खुदावंद के कलाम की रोटी का हासिल किया है उसको आपने अंदर लिया है उसको जज्ब करने की उसको डाइजेस्ट करने की उस पर युगाली करने की खुदावंद से तौफीक मांगे कि खुदावंद इसको हम हजम कर सकें इस पर अमल कर सकें और खुदावंद आपके नाम को हमारी जिंदगियों से जलाल मिले। हालेलुया यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। बैठ जाइए इस वक्त हम अपने बीज जो है वो खुदावंद के हजूर में लेके आएंगे। बीज में जिंदगी है बीज में मैंने ये पहले भी एक बार शेयर किया था कि बीज में जब जिंदगी है तो बहुत से लोग जो हैं वो बीज को काटते हैं। हेलो बीज को काटते हैं के चले जी ये जो खुदावंद का जो खुदावंद ने वादा किया करते ज़रूर हैं। खुदावंद ने कलाम में अगर कहा जी अपनी पूरी दायकी अपने जखीरा खाना में लेके आ ब्रिंग योर होल टाइडिंग इन द स्टोर हाउस सो दैट इज़ द कमांड। लेकिन अगर आप निकालते ज़रूर हैं लेकिन अगर उस बीज को काट देंगे आप तो उसके हिस्से कर दिए तो उसमें जो जिंदगी है वो तो ख़त्म होगी।
वो खत्म हो जाती है। खुदावन के कलाम के मुताबिक चार किस्म की जमीन का जिक्र किया गया है, लेकिन फलदार जो थी वो अच्छी जमीन पे थी, जहां से आपको खुराक मिलती है, जहां से आपको रूहानी खुराक मिलती है वो आपका स्टोर हाउस होता है, जहां से आपको दुआ की जरूरत है दुआ वहां पे होती है, जहां पे आपको किसी चीज की सलाह करनी है काउंसलिंग होती है, जहां पे आपको जरूरत है वहां से जब जहां आपकी जरूरत जब पूरी होती है तो योर बीज बिलोंग दैट सॉइल, आपका बिल्कुल उस जमीन पे जो है वो बीज जो जाना चाहिए। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। गीत मैं जितने भी हमारे बहन भाई फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पेज जो यूट्यूब पे है सुभाष गिल ऑफिशियल पेज जो है, इस पे हम कोशिश करते रहते हैं कि जितने भी गीत डालें डालते हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि आप तक जो खुदावंद हमें देता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक महीना पहले ये गीत डाला था, कफारे में शिफा है कफारे में बका है, ये कफारा यस्सू के लहू से हुआ, इस कफारे का बर्रा न बरे जैसा, कुर्बानी का बर्रा न बरे जैसा। आमीन। सो कफारे में कफारा जो है दैट इज द अटोनमेंट, अटोनमेंट जो है, अटोनमेंट जो है हमारी कीमत जो है वो किसी सोने चांदी से नहीं बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह खुदा का बर्रा जो है उन्होंने अपने लहू के साथ कीमत अदा की है। हालेलुया। अपने अपने बीज निकाल लें और इस गीत को जब हम गाते हैं तो जब आप बीज बो दें तो बेशक खड़े होकर तालियां बजाकर खुदावंद के लहू के लिए खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रगुजारी के साथ हम
उसका पारे की बर्रे की गर्दन कटी, इसका पारे की ना कोई हड्डी टूटी, उसका पारे के बर्रे की गर्दन कटी, इसका पारे की ना कोई हड्डी टूटी, उसका पारे के बर्रे की गर्दन कटी, इसका पारे की ना कोई हड्डी टूटी। ये कामिल बला शुक्रगुजारी करते हैं इस बीज के लिए। प्यारे खुदावंद, ये बीज जो आपके बेटों बेटियों ने आज आपके कलाम के वादों को पूरा किया, कलाम को सुनकर उस पर अमल किया, और आज ये बीज जो अच्छी ज़मीन पे बोया गया है खुदावंद, ये आपके हाथों को जैसे छुए, इस पे खुदावंदा मल्टीप्लिकेशन हो, आपके आसमान के दरीचे खुल जाएं, आपकी मुबारक मुट्ठी खुल जाए, और आपके बेटों और बेटियों के खत्ते हमेशा भरे रहें खुदावंद, इनके घरों में कभी किसी चीज की कमी ना हो, हर तरह की परेशानियां तकलीफें बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहें, और खुदावंद आपकी मर्जी जो आपके बेटे के नाम से है वो हर एक की जिंदगी में पूरी हो, और खुदावंद के नाम को हम सब की जिंदगियों से जलाल मिलता रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। तशरीफ रखें। इससे पहले कि हम दुआ रबानी और कलमाते बरकात से रुखसत हों, एक शुक्रगुजारी की दुआ जो है वो हम सब मिलकर करेंगे। आज हमारा जो चर्च का बेटा है बाजी रमीला का सबसे छोटा बेटा गुड्डू, उसकी बर्थडे है, हम सब मिल के लिए खुदावंद से उसका शुक्र करेंगे उसके गुज़श्ता सालों के लिए, और उसके आने वाले ज़िंदगी के सालों को जो है वो हम खुदावंद के पाक हाथों में देंगे। मैं पास्टर रूह से रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर जी आएँ, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने हाथ जो हैं वो गुड्डू की तरफ बढ़ाएं, और सब मिलकर जो है वो पास्टर रूह के साथ मिलकर उसके लिए जो है वो बरकत की दुआ को जो है वो चाहें। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो है गुड्डू साहब हैं, ये इनका नाम कुमेल है, एंड ये जब पाकिस्तान से आए थे तो बहुत छोटे थे, और ही व्हेन ही केम टू द चर्च ही वाज द क्यूटेस्ट थिंग आई हैड एवर सीन,
एंड ये जो है बच्चों के साथ तो हमारे बहुत क्लोज रहे एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड यस आर वी हाउ क्लोज आर वी लेट्स सी हाउ क्लोज इज अ वेरी गुड बच्चा एंड बहुत हमारे हाथों में ये पले हैं बड़े हैं एंड दिस इज माय प्रे ही हैज डन रियली वेल जो है इसने अप्रूव किया कि एक मतलब इसने सारा सिस्टम जो है स्कूल का उसे पूरा करके एंड ही हैज मेड ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड आमेन हालेलुया सो हम दुआ में अपने हाथों को उठाएंगे और कमेल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं हालेलुया हेवनली डैडी We thank you for all the wonderful things, all the good things. खुदावंद आपकी बेटी सिस्टर रुमिला के लिए हम शुक्रगुजार हैं जिनको खुदावंद आपने ये औलाद बख्शी और खुदावंद इन तीनों बेटों के लिए शुक्रगुजार हैं और ख़ासकर आज जब कमेल का ये खुदावंद ख़ास दिन है इस पूरे साल को आपके लहू में छिपा देते हैं और खुदावंद इस साल पर खुदावंद आपका आपके कलाम की बरकत लेते हैं जोएल 2:28 खुदावंद जब आपका कलाम गिरता है वी डोंट नो कि किस ज़मीन पर क्या असर कर रहा है क्योंकि हम देख नहीं सकते लेकिन अंडरग्राउंड देर इज़ समथिंग हैपनिंग सो आई क्लेम इन द नेम ऑफ यशुआ अलोंग विद दिस कॉन्ग्रीगेशन हम सब मिलकर ये मिन्नत करते हैं आपसे कि खुदावंद इस ज़मीन के अंदर जो कलाम जा चुका है खुदावंद वो अपना काम करे और खुदावंद ये बच्चा आपके नाम के लिए खड़ा हो इसके इसके ऊपर आपका हाथ आकर ठहर जाए जोएल 2:28 हालेलुया आई शैल पोर माय स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश खासकर नौजवान जो है उनके लिए वहां कह के तुम्हारे नौजवान नबूवत करेंगे ऐ खुदावंद ये बच्चा आपका है इसको आपने खुदावंद बहुत सारी परेशानियों में से निकाला खुदावंद खतरात में से निकाला और संभाल के रखा है आप इसकी पनाह है आप इसका ऊंचा गढ़ है यू आर हिज हाइडिंग प्लेस हिज स्ट्रेंथ शील्ड एंड बखला हिज प्रोवाइडर एंड वी गिव यू प्रेज एंड ऑनर खुदावंद ये साल इसकी बरकतों का साल हो कोई भी ऐसी चीज इस साल में जो खुदावंद आपकी तरफ से ना हो उसको हम अभी से यीशु के लहू से खुदावंद साफ करते हैं रिजेक्ट और कैंसिल करते हैं इस बच्चे की लाइफ से और खुदावंद बाप अब्राहम इसहाक और याकूब की बरकतों को खुदावंद कमेल की जिंदगी पर मांग लेते हैं मे ही बी द हेड एंड नॉट द टेल मे ही बी द लैंडर एंड नॉट द बोरोअर मे हिज बास्केट्स बी फुल स्टोर रूम्स बी फुल मे ही बी ब्लेस गोइंग आउट एंड ब्लेस कमिंग इन लॉर्ड हर तरह अंदर बाहर आता जाता आपका बेटा बाप बरकत हो और खुदावंद इसको कभी किसी चीज़ की ना माली ना खुदावंद रूहानी ना जिस्मानी या एकेडेमिकली किसी चीज़ की कमी ना आए आपके पाक फरिश्तों का पहरा इसके चारों तरफ ले लेते हैं और सारा जलाल आपके नाम को देते हैं इन यीशुआ मसीह ने वी स्पीक लॉन्ग लाइफ इटर्नल लाइफ हालेलुया अबंडेंट लाइफ एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग लाइफ ओवर यू कमेल इन यीशुआ मसीह ने Amen and amen. Hallelujah. Our God is amazing. Hallelujah. Praise God. So hum happy birthday kar sakte hain. We have 1 minute. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kamel. Happy birthday to you. Praise the Lord. Amen and amen. Amen. हालेलुया इसी तरह हम खड़े खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे और एक बार फिर से हम वी आर वेरी हैप्पी टू हैव आवर बिग ब्रदर भाई आसिफ हमारे बीच वापस आ गए हैं और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ खुदावंद की खुदावंद के कलाम को खुदावंद की इबादत में वो शामिल होंगे और खुदा हमें इस चीज़ का इंतज़ार और उनकी हिफाजत के लिए घराने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं आशर बेटे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए और खुदावंद इस चर्च के सारे लोगों के लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके बेटे बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद अपना कीमती वक्त खुदावंद छोड़ के खुदावंद आपके घर में आके आपको ऑनर करते हैं एक एक के ऊपर आपका हाथ बना रहे आमेन एंड आमेन हालेलुया अब आइए हम अपने खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों ऐ हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं आपका नाम पाक माना जाए आपकी बादशाहत आए आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ करें हमें आसमाइश में ना पड़ने दें
बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। गो इन पीस, हैव जॉय, पीस एंड एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस।